हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ई सेकेंड जो रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन होता है, यानी कार्डियक साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट इन द हार्ट इन विच डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल सीरीज ऑफ इवेंट। कार्डियक साइकिल क्या? सीरीज ऑफ इवेंट इन द हार्ट, इन द हार्ट इन विच डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की जो इवेंट होती है हार्ट के अंदर, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। हमने ये देखा है कि वन मिनट के अंदर नॉर्मल पर्सन के अंदर 72 बीट्स पर मिनट होते हैं हार्ट बीट, 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें, कार्डियक साइकिल, तो उसका फॉर्मूला होता है सेकेंड पर बीट्स पर मिनट, सेकेंड पर बीट्स पर मिनट। तो सेकेंड हमारे कितने हैं? वन मिनट के अंदर सेकेंड हो गए 60 सेकेंड, और जो नॉर्मली हार्ट बीट होती है वह होती है 72, तो लगभग आ जाएगा 0.83 सेकेंड। इन 0.83 सेकेंड, यानी 0.8 है ये हमारे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की जो रेट है वो है 0.8 सेकेंड। अब इसके अंदर तीन फेज आती है, एक एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, एक टोटल कार्डियक रिलैक्सेशन। कार्डियक साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट इन द हार्ट इन विच डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो तीन फेज आती है, फर्स्ट है एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, सेकेंड है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, एक टोटल कार्डियक रिलैक्सेशन, टोटल कार्डियक जो नॉर्मली होगी हमारे हार्ट साइकिल होगी 0.8 सेकेंड की। तो जो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होता है वो होता है 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है ये होता है 0.3 सेकेंड के लिए, और जो टोटल जो कार्डियक रिलैक्सेशन होता है वो होगा हमारे 0.4 सेकेंड के लिए। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन 0.8 सेकेंड के लिए, तो रिलैक्सेशन होगा वो होगा 0.7 सेकेंड के लिए। यानी एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन तो करेगा 0.1 सेकेंड तक, लेकिन 0.7 सेकेंड तक वो फिल होगा, यानी रिलैक्स होगा, और धीरे धीरे जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम सुपीरियर और इंफीरियर वेना के थ्रू जो फिलिंग होगी ये फेज, इन टोटल ये रिलैक्सेशन होगा कॉन्ट्रेक्शन के अलावा जो भी फेज है ये 0.7 सेकेंड, और जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा वो होगा 0.5 सेकेंड के लिए, और टोटल जो कार्डियक रिलैक्सेशन है वो है 0.4 फेज के लिए। अब हम डायग्रामेटिक देखेंगे कि डायग्राम के अंदर हम कैसे, अभी मैं बता देता हूं, डायग्राम के अंदर हम चेक करेंगे कि किस तरह ये इवेंट होती है। तो फर्स्ट अगर हम फेज देखें, अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से डायग्राम, एक पार्ट ले लेंगे कोई राइट या लेफ्ट, हम ले लेते हैं लेफ्ट। जो इनके बीच में जो वॉल होता है उसे कहते हैं एवी वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और जो यहां वॉल होगा पल्मोनरी के थ्रू इसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, या कहते थे हम एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल। हम लेफ्ट लेते हैं तो एओर्टिक वॉल हो जाएगा, और राइट लेंगे तो पल्मोनिक वेन हो जाएगा, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, लेफ्ट में है तो मिट्रल वॉल और राइट में है तो ट्राइकस्पिड वॉल। तो नॉर्मली जो अगर बात करेंगे कार्डियक साइकिल बनती कैसे, पूरी टोटल कार्डियक साइकिल होगी कैसे, फर्स्ट है कौन सा, धीरे धीरे ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा राइट
ये लेफ्ट एट्रियम में, धीरे धीरे जैसे ये ब्लड पल्मोनरी वेन देन ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो धीरे धीरे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज होगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो जो ऐसे नोड होता है वो ये धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये ऐसे नोड होगा यहां पर, वो ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा एवी नोड को, ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा एवी नोड को, और जब प्रेशर व्हेन प्रेशर हायर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब एट्रियम के अंदर जो ब्लड फेल होगा उसका कॉन्ट्रेक्शन जब लेफ्ट एट्रियल से ज्यादा हो जाएगा तो जो एवी नोड है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो ट्राइकस्पिड वाल्व है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये ओपन हो जाएगा, जो ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है जैसे ट्राइकस्पिड और बाई मिटल वॉल और सेमी लूनर वॉल के अंदर पल्मोनिक वॉल और एओर्टिक वॉल, ये दोनों साथ में क्लोज होते हैं, जैसे पहले होगा तो वेंट्रिकुलर क्लोज होगा तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होगा वो क्लोज होगा, और वेंट्रिकुलर के अंदर जो सेमी लूनर वॉल है ये दोनों आपस में एक साथ क्लोज होगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और सेमी लूनर वॉल, ये अलग अलग टाइम में जब वॉल का क्लोज होगा तो ये दोनों साथ में होंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल एक है सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल एट्रियो वेंट्रिकुलर के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, सेमी लूनर के अंदर पल्मोनिक वॉल और एओर्टिक वॉल, ये दोनों ये सब होगा ये एक साथ में होगा और ये भी एक साथ में कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा पल्मोनरी वेन ड्रेन ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम और इंक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, तो ऐसे नोड इंपल्स टू द एवी नोड, और जब एवी नोड में प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा तब ये प्रेशर ये एवी नोड एवी वॉल होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ये ओपन हो जाएगा और ब्लड आ जाएगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा इसमें तीन फेज हो जाती है, एक तो रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज और एक हो जाती है एट्रियो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, तो रैपिड फिलिंग फेज के अंदर जो लगभग आता है 70-80% ब्लड इसके अंदर ड्रेन हो जाएगा, इसके अंदर ड्रेन हो जाएगा, तो धीरे धीरे जब इसके अंदर इंक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल होगा तो जो एवी नोड के ऊपर जो इंपल्स है ये पुरकंजे बंडल ऑफ रिच होता हुआ पुरकंजे फाइबर में आएगा, तो ये इसके अंदर आइसोवॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रेक्शन होगा 0.05 सेकंड के लिए विदाउट सेंस एंड विदाउट सेंस लेंथ एंड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल, जो कॉन्ट्रेक्शन होगा उसके कारण जो एयू एवी वॉल है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल ये क्लोज हो जाएगा, तो नॉर्मल हमने देखा है कि जो तीन फेज हो जाती है जिसके अंदर ये ब्लड अंदर आता है, तो पहली थी स्लो फिलिंग फेज, फास्ट रैपिड फिलिंग फेज, सबसे पहली थी रैपिड फिलिंग फेज, उसके अंदर जो ये 70-80% जो ब्लड आता है उससे उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो है S3 साउंड, और जो एट्रियम लास्ट में जो 10% होता है, एक होती है रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज में 10%, और जो एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन होता है एट्रियल मसल कॉन्ट्रेक्शन 10%, इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं S4 साउंड, एक कार्डियक साउंड आती है वो मैंने एक अलग टॉपिक बनाया है उसके अंदर मैंने पूरा बताया कि S1 S2 S3 S4 किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है और ECG के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो अब हम इसमें कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, तो ये ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, तो ये जैसे ये विदाउट सेंस इन द लेफ्ट वेंट्रियम की जो वॉल्यूम है और लेंथ में उसके अंदर कोई चेंज किए बिना ये जो स्मॉल थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन होता है 0.05 सेकंड के लिए और एवी वॉल जो एयू एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है ये क्लोज हो जाएगा, और जब ये क्लोज होता है इसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल दोनों क्लोज होता है तो ये साउंड होती है उससे कहते हैं S1 साउंड या लव साउंड
जब कंटिन्यू एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो फर्स्ट कौन सा था हमारा एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन कब हुआ? ये 10% जब ब्लड आएगा तो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होगा और पूरा जो एट्रियम का ब्लड है वो आ गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। दूसरा था हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, सेकंड फेज कौन सी थी? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन कब होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एओर्टा से ज्यादा हो जाए। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड प्रेशर है, जो इसके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एओर्टा से ज्यादा हो जाए, तब ये सेमीलुनर वॉल, सेमीलुनर वॉल लेफ्ट के अंदर हम देखें तो एओर्टिक वॉल ओपन हो जाएगा और जो रैपिड इजैकुलेशन फेज होती है इसके अंदर, रैपिड इजैकुलेशन फेज में आगे पूरी लाइन वाइज बताऊंगा किस तरह ये इवेंट होती है पूरी टोटल। तो रैपिड इजैकुलेशन फेज होगा और ये ब्लड चला जाएगा एओर्टा के अंदर। जब एओर्टा के अंदर जब ब्लड चला जाएगा तो जो ये लास्ट में जो रैपिड इजैकुलेशन फेज आई है इसमें तो थी जो एट्रियल मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो हुआ एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। दूसरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, तो रैपिड इजैकुलेशन फेज के द्वारा ये होती है 0.22 सेकंड रैपिड इजैकुलेशन फेज। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है और पूरा जो वेंट्रिकुल का जो ब्लड होता है वो एओर्टा के अंदर पुश करता है, ड्रेन करता है, तो वो होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। फर्स्ट एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, सेकंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, थर्ड है हमारा टोटल वेंट्रिकुलर, टोटल एट्रियल, टोटल कार्डियक रिलैक्सेशन। उसके अंदर दो फेज आ जाती है, एक प्रोटोडायस्टोलिक फेज और एक आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन फेज। तो टोटल प्रोटोडायस्टोलिक फेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ये एओर्टा के अंदर जब ब्लड वेंट्रिकुलर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर ब्लड ज्यादा आ जाता है तो वापिस फ्लो करेगा, तो इसके अंदर जो जब इन एओर्टा के अंदर प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा और सेमीलुनर वॉल क्लोज करेगा, तो आएगी हमारे S2 साउंड। ये होता है प्रोटोडायस्टोलिक फेज के अंदर, ये तो था आइसोमेट्रिक और आइसोवोलेमिक फेज के अंदर और ये था प्रोटोडायस्टोलिक फेज के अंदर। उसके सेकंड आती है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, उसके अंदर पूरे टोटल वॉल क्लोज हो जाते हैं, ये भी रिलैक्स टोटल क्लोज हो जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर और एओर्टिक वॉल भी, ठीक है टोटल। अब हम एक एक साइकिल के बारे में पता करेंगे कि ये सेकंड होती कैसे है। तो तीन साइकिल थी तो हम फर्स्ट साइकिल पढ़ते हैं। सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन पल्मोनरी वेन ड्रेन ब्लड इन द तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन ब्लड ड्रेन करती है, यानी एट्रियम के अंदर जब ब्लड आता है नॉर्मली, ठीक है तो इंक्रीज ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है तो ब्लड ये इंक्रीज होगा जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो ऐसे नोड इंपल्स टू एवी नोड, ऐसे नोड इंपल्स एवी नोड को ट्रांसफर करता है और वेन इंक्रीज प्रेशर इन वेन इंक्रीज प्रेशर इन एट्रियम देन वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल से एट्रियम के अंदर जब ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो जो एवी वॉल होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल वो ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, तो पल्मोनरी वेन ड्रेन करती है एट्रियम के अंदर और जब लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम जब प्रेशर इसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है ज्यादा आएगा तो ऐसे नोड एवी नोड को इंपल्स जनरेट करेगा और इंक्रीज प्रेशर इन द एट्रियम देन वेंट्रिकल।
तो एट्री में प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा आ जाएगा तो एवी वॉल्व ओपन होगा। अब इसके अंदर आ जाती है तीन फेज, तो एवी फर्स्ट हो गया हमारा, एवी वॉल्व ओपन हो गए, तो तीन तरह से, सबसे पहले तीन फेज हो जाती है इसके अंदर। एक आती है रैपिड फ्रीजिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज। सेकंड आती है स्लो फिलिंग फेज। एक आता है एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब एवी वॉल क्लोज होगा तो एट्रियम के अंदर ये तीन चीजें होगी, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज और एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये होती है 0.11 सेकेंड, ये 0.2 सेकेंड और ये हो जाएगी हमारे वापस 0.19 सेकेंड और ये हो जाएगी वापस 0.11 सेकेंड 0.19 सेकेंड और 0. इसके अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है, जो नॉर्मली जो रैपिड फिलिंग फेज के अंदर तो जो फ्लो आएगा वो होगा हमारा 70-80% जो ब्लड होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है वो आता है रैपिड फिलिंग फेज के अंदर। और इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी S3 साउंड, ठीक है, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। सेकेंड आता है हमारा स्लो फिलिंग फेज, इसके अंदर आता है हमारा 10% ब्लड। और जो लास्ट में जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो मेन होती है फेज, ये इसमें आ जाता है हमारा 10% ब्लड, ठीक है। ये था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कि सबसे पहले ब्रेन एट्रियम के अंदर ब्लड आया, एट्रियम से जब फिलिंग ज्यादा ब्लड हुआ, ऐसे नोड से इंपल्स आया एवी नोड के पास में, और जब प्रेशर वेंट्रिकल से एट्रियम में ज्यादा हुआ तब एवी वॉल ओपन हो गए और रैपिड फिलिंग फेज के द्वारा 70-80% ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर, स्लो फिलिंग के अंदर 10% और लास्ट में हुआ एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई और 10% जो ब्लड था वो भी आ गया वेंट्रिकल के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब आएगा हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड है वेंट्रिकुलर सेकेंड है हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब एवी वॉल ओपन हो जाते हैं, जब एवी वॉल ओपन हो जाएंगे और ब्लड ड्रेन होगा वेंट्रिकल के अंदर, तो इंक्रीज ब्लड इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इंक्रीज होगा तो इंपल्स होता है वो एवी नोड इंपल्स टू पुर्किंजे फाइबर। जब ब्लडर ये जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल के अंदर इंक्रीज होगा तो एवी नोड इंपल्स करेगा पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज से होते हुए पुर्किंजे फाइबर के अंदर जो इंपल्स जनरेट करेगा, वेन इंक्रीज प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल देन एट्रियम। जब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो 0.05 सेकेंड के लिए विदाउट चेंज वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी विदाउट चेंज एट्रियम की जो विदाउट चेंज इन वेंट्रिकुलर लेंथ एंड वॉल्यूम, तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है उसकी वॉल्यूम और लेंथ के बिना जो 0.05 सेकेंड के लिए कुछ समय के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसमें होगा क्या, जो एवी वॉल्व है
विदाउट चेंज इन वेंट्रिकुलर लेंथ एंड वॉल्यूम, तो सम कुछ 0.05 सेकंड के लिए जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके कारण जो एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे हमारी S1 साउंड, जिसे कहते हैं लब। क्या लब? लब साउंड, ठीक है। और ये तो होया एवी नोड, तो पहले हमने आई थी S3 साउंड, S4 साउंड, अब होगी S1 साउंड, ठीक है। धीरे धीरे जब ब्लड ड्रेन होगा और वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो इंक्रीज ब्लड इन वेंट्रिकल देन एओर्टा। जब एओर्टा से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो ये इजेकुलेट करेगा एओर्टा में, तो रैपिड इजेकुलेशन ऑफ ब्लड। रैपिड इजेकुलेशन करेगा, ये होता है 0.22 सेकेंड। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन करेगा और एओर्टा के अंदर ब्लड को ड्रेन करेगा, तब आती है हमारी जब हो गया। ये था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, इसमें क्या हुआ जब एवी वॉल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में जब वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है एओर्टा से ज्यादा हो जाएगा, उस समय वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन होगा और जो रैपिड इजेकुलेशन फेज के अंदर 0.22 सेकंड के लिए होती है, उसके अंदर जो वेंट्रिकुलर का जो ब्लड होता है वो एओर्टा के अंदर पुश करेगा और ड्रेन करेगा। ये था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन में, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से आ गया ब्लड वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन से कहां गया ब्लड एओर्टा के अंदर, ठीक है। ये था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू गया, तो ये था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन फेज। अब आती है टोटल कार्डियक रिलैक्सेशन फेज। जो साउंड हमारी आ गई S1 होगी, S2 होगी, S3 आई पहले, जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलप साउंड, और बाद में आई फॉर एट्रियल गैलप साउंड, उसके बाद में आ गई S1 एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हुए तब। अब हुआ क्या, अब है थर्ड टोटल कार्डियक रिलैक्सेशन फेज। टोटल कार्डियक रिलैक्सेशन फेज, इसके अंदर दो फेज आती है, फर्स्ट प्रोटोडायस्टोलिक फेज और सेकेंड आती है आइसोवॉल्यूमिक फेज। जब इंक्रीज प्रेशर ऑफ ब्लड इन एओर्टा देन वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो जो होते हैं सेमी लूनर वॉल क्लोज हो जाएंगे। एओर्टा के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास तो होगा एओर्टिक वॉल सेमी लूनर वॉल में, और राइट में हो जाएगा पल्मोनरिक वॉल। ये जब दोनों क्लोज हो जाएंगे तो होगी हमारी S2 साउंड, जिसे कहते हैं डब साउंड। S1 हो गई लब और है ये डब, ये वॉल क्लोज हो गया। ये था हमारा प्रोटोडायस्टोलिक फेज। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो था आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमिक फेज के अंदर, ठीक है। लेकिन जो S2 साउंड होती है वो होती है प्रोटोडायस्टोलिक फेज के अंदर, ये होती है S2 साउंड, डब साउंड। एक तो था प्रोटोडायस्टोलिक फेज और बी है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज, इसके अंदर पूरे जो वॉल्व है वो सब क्लोज हो जाएंगे और कार्डियक रिलैक्स करेगा, ठीक है।
तो नॉर्मली हो गया जो ब्लड एस थ्री फिर एस फोर एस वन और एस टू, नॉर्मली जो ब्लड है वो आया एटीएम में, एटीएम में जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ऐसे नोड से इंपल्स गया एवी नोड के पास में, और जब प्रेशर जो एट्रियम के अंदर वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा तब एवी वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, और तीन फेज रैपिड फिलिंग फेज स्लो फिलिंग फेज और एटीएल मसल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल के पास में। जब वेंट्रिकल के पास ब्लड ज्यादा हो जाएगा तब 0.05 सेकंड के लिए जो विदाउट चेंज इन द वेंट्रिकुलर लेंथ एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन होगा और एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। तो रैपिड फिलिंग फेज के अंदर तो एस थ्री साउंड, एटीएल कॉन्ट्रेक्शन होगा उसमें एस फोर साउंड, और जो एवी वॉल्व क्लोज होगा वो होगा एस वन साउंड। अब धीरे धीरे जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एओर्टा से ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा ये एओर्टा के ऊपर, और रैपिड इजैकुलेशन फेज के द्वारा ये ब्लड चला जाएगा किसमें एओर्टा में, और जो एओर्टा के अंदर जो ब्लड वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा किसके ऊपर सेमी ल्यूनर वॉल के अंदर। जब सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएंगे तो हमारी आएगी एस टू साउंड, और टोटल लास्ट में आती है ये तो आती है रैपिड फिलिंग। जो ये मैंने ये कार्डियो जो साउंड बताई है इसका मैंने एक अलग से टॉपिक वीडियो बनाया है, उसके अंदर टोटल जो साउंड होती है किस टाइप से आती है और इसका इसी चीज के साथ क्या रिलेशन है वो मैंने बताया। तो फर्स्ट हो गई एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, आ गया वेंट्रिकल के अंदर ब्लड, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन ब्लड चला गया एओर्टा के अंदर, और फिर एओर्टा से ये वापस वॉल्व क्लोज हो जाएगा, जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो आ जाएगी हमारी एस टी साउंड, प्रोटोडायस्टोलिक फेज के अंदर आ जाएगी एस टी साउंड, और आइसोमेट्रिक आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज, इसमें टोटल जो भी वॉल्व है वो सब क्लोज हो जाएंगे और कार्डियक रिलैक्स करेगा। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल। थैंक यू टू सी।